हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी अकेडमी में। आज डेट है 17 जुलाई 2020 और आज के डेट के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और वीडियो के लास्ट में आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स हैं और साथ में क्विज भी है, तो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए दिन की शुरुआत करते हैं एक पॉजिटिव थाट से। नथिंग इज़ पर्टिकुलरली हार्ड इफ़ यू ब्रेक इट डाउन इन टू स्मॉल जॉब्स। तो कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। अगर आपको कोई जॉब डिफ़िकल्ट लगता है या आपका जो टारगेट है वो आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो कोशिश करिए उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करिए और फिर उसकी तरफ मेहनत करिए। इससे आपको अपने टारगेट को पाने में आसानी होगी। तो आइए अब आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कल के वीडियो का कुछ रिवीजन। हाल ही में अशोक लवासा को एशियाई विकास बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में वेद प्रकाश दुदेजा को इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। मध्य प्रदेश ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। नाबार्ड ने अपने 39वें स्थापना दिवस को चिन्हित करने के लिए डिजिटल चौपाल लॉन्च किया है। 15 जुलाई को मनाया गया विश्व कौशल दिवस 2020। कोविड-19 के दौरान 50,000 बेरोजगार युवाओं को ऊपर उठाने के लिए उड़ीसा ने कोर्सेरा के साथ भागीदारी की है। हाल ही में आंध्र प्रदेश ने फसलों के ऑनलाइन पंजीकरण के लिए ई क्रॉप पहल शुरू किया है। भारत का एकमात्र गोल्डन टाइगर काजीरंगा नेशनल पार्क में देखा गया है। सचिन अवस्थी को वैश्विक मानवतावादी पुरस्कार 2020 में शीर्ष प्रचारक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यूनिसेफ इंडिया ने हैशटैग रीइमेजिन कैंपेन को विकसित करने के लिए फिक्की और सामाजिक आर्थिक विकास फाउंडेशन के साथ समझौता किया है। हाल ही में नितिन गडकरी ने हरियाणा में 11 राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। और हाल ही में रमेश पोखरियाल निशंक ने डिजिटल शिक्षा पर प्रज्ञाता दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो आइए अब चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ सूरीनाम। हाल ही में सूरीनाम के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो अभी हाल ही में इंडियन ओरिजिन के चंद्रिका प्रसाद संतोखी को इलेक्ट किया गया है एज अ प्रेसिडेंट ऑफ सूरीनाम। सूरीनाम की कैपिटल है पारामारिबो और करेंसी है सूरीनामीज डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट यूनियन टेरिटरी इंडियन रेलवेज इज बिल्डिंग इंडियाज फर्स्ट केबल स्टेट रेल ब्रिज। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में भारतीय रेलवे भारत की पहली केबल रेल पुल का निर्माण कर रही है? तो इंडियन रेलवे अभी हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर में इंडिया की फर्स्ट केबल स्टेट रेल ब्रिज का कंस्ट्रक्शन करवा रही है। तो रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल ने अभी हाल ही में अनाउंस किया है इंडिया की पहली केबल स्टेट इंडियन रेलवे ब्रिज का, जिसका नाम है अंजी खाद ब्रिज। और इसको डेवलप किया जा रहा है कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी KRCL के द्वारा। और इस ब्रिज के थ्रू कनेक्ट होंगे कटरा और रियासी, और ये दोनों ही जम्मू कश्मीर में हैं। और चेनब नदी के अक्रॉस ये ब्रिज बनाया जा रहा है। और ये ब्रिज उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेल लिंक प्रोजेक्ट का एक पार्ट है जो कि यंग हिमालयस के थ्रू पास होगा। और उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेल लिंक के द्वारा ही चेनब रिवर ब्रिज बनाया जा रहा है जो कि कंप्लीट होने के बाद दुनिया का सबसे हाईएस्ट रेल ब्रिज होगा। और अंजी खाद ब्रिज की जो लेंथ है वो है 473.25 मीटर्स। बात करें कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड KRCL की, तो यहाँ के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं संजय गुप्ता और इसका हेडक्वार्टर है नवी मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ बोर्ड बाई एल एन टी यानी कि लार्सन एंड टूब्रो। हाल ही में L&T बोर्ड के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में सुब्रमणियन शर्मा को नियुक्त किया गया है एज अ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ बोर्ड बाई L&T। तो सुब्रमणियन शर्मा पहले नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे बोर्ड के, और अब इन्हें नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से हटा के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना दिया गया है। इसके अलावा प्रेजेंट में ये जो L&T का ही एक पार्ट है L&T हाइड्रोकार्बन इंजीनियरिंग, इसके CEO और MD हैं। बात करें लार्सन एंड टोब्रो की, तो इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1938 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में और चेयरमैन है अनिल मनीभाई नाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ इनॉग्रेटेड द 5th एडिशन ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑन एरोस्पेस एंड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज़। एरोस्पेस और रक्षा निर्माण
प्रौद्योगिकियों पर सम्मेलन के 5वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? तो अभी हाल ही में श्रीपद यशो नायक जी ने 5th एडिशन का इनॉग्रेशन किया है, जो फिफ्थ एडिशन है कॉन्फ्रेंस ऑन एरोस्पेस एंड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज। इस साल की थीम रखी गई है, यानी 5वें एडिशन की थीम है एम्पावरिंग इंडिया विथ आत्मनिर्भर भारत मिशन। ओके, इसे नोट कर लीजिए, इम्पॉर्टेंट है, एम्पावरिंग इंडिया विथ आत्मनिर्भर भारत मिशन। तो श्रीपद यशो नायक रक्षा राज्य मंत्री हैं और इन्होंने ही अभी हाल ही में इनॉग्रेट किया है 5th एडिशन ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑन एरोस्पेस एंड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज। और इस कॉन्फ्रेंस को जॉइंटली ऑर्गेनाइज कराया गया है तमिलनाडु टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड प्रमोशन सेंटर TNT DPC, उसके अलावा इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स SIDM और साथ में द कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी CII। तो इन तीनों के द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया है जॉइंटली इस कॉन्फ्रेंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच PSU हैज साइंड MOU विथ AAI यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया फॉर कॉरपोरेशन इन सिविल एविएशन सेक्टर? नागरिक उड्डयन क्षेत्र में सहयोग के लिए किस PSU ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी हाल ही में BEL यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने AAI यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ MOU साइन किया है फॉर द कोऑपरेशन ऑफ सिविल एविएशन सेक्टर। तो इस पार्टनरशिप में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट करेगा एज अ डेवलपमेंट पार्टनर और ये BEL को असिस्ट करेगा जो भी इंडिया के बाहर BEL के MEA प्रोजेक्ट्स हैं आउटसाइड ऑफ इंडिया, उनको एग्जीक्यूट करने में। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करें तो हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और चेयरमैन है अरविंद सिंह। और बात करें BEL की तो ये एक PSU है, PSU यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, और ये एक डिफेंस PSU है, इसका फुल फॉर्म है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इसका हेडक्वार्टर या रजिस्टर्ड ऑफिस है बेंगलोर कर्नाटका में और चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है यहाँ के MV गौतामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर एलिस फाकफाक हैज़ रिजाइंड रिसेंटली? हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री एलिस फाकफाक ने इस्तीफा दिया है? तो अभी हाल ही में तुनेशिया के प्राइम मिनिस्टर जिनका नाम है एलिस फाकफाक, इन्होंने रेजिग्नेशन दिया है वहाँ के प्रेसिडेंट को। इन्हें जनवरी 2020 में तुनिसिया का प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया था। तो तुनिसिया के प्राइम मिनिस्टर हैं कैस साइद, यहाँ की कैपिटल है तुनिसिया और करेंसी है तुनिसिया दिनार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रिजर्व फॉरेस्ट इन असम विल बी अपग्रेडेड टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? असम के कौन से आरक्षित वन को वन्यजीव अभयारण्य में अपग्रेड किया जाएगा? तो जो असम का रिजर्व फॉरेस्ट है जिसका नाम है पोबा रिजर्व फॉरेस्ट, तो अभी हाल ही में असम के चीफ मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि पोबा रिजर्व फॉरेस्ट को अपग्रेड किया जाएगा एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। तो पोबा रिजर्व फॉरेस्ट को 1924 में डिक्लेयर किया गया था एज अ रिजर्व फॉरेस्ट। इसकी एरिया है 10,522 हेक्टेयर्स और यहाँ पे काफ़ी लार्ज नंबर्स पे फ्लोरा और फना अवेलेबल हैं। असम की बात करें तो कैपिटल है दिसपुर, असम के गवर्नर हैं प्रोफेसर जगदीश मुखी और चीफ मिनिस्टर हैं सर्वानंद सोनोवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिसीव US इंडिया बिजनेस काउंसिल UNIBC ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020? निम्नलिखित में से किसे US इंडिया बिजनेस काउंसिल UNIBC ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020 दिया जाएगा? तो नटराजन चंद्रशेखरन और जिम टेकलेट दोनों को ही ये अवार्ड दिया जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ऑफ देम। नटराजन चंद्रशेखरन टाटा ग्रुप के चेयरमैन हैं और जिम टेकलेट CEO हैं एंड प्रेसिडेंट हैं लॉकहेड मार्टिन के। ओके, कंपनी है लॉकहेड मार्टिन, उसके CEO और प्रेसिडेंट हैं जिम टेकलेट। बात करें USIBC ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड की, तो इसे हर साल 2007 से हर साल इसे दिया जा रहा है। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC USA में और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं निशा बिस्वाल और MD हैं इंडिया डिपार्टमेंट के अंबिका शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टेक फर्म विल बाई 7.73% स्टेक इन Jio प्लेटफॉर्म फॉर ₹33,737 करोड़? कौन सी टेक फर्म Jio प्लेटफॉर्म में 33,737 करोड़ रुपए देकर 7.73% हिस्सेदारी खरीदेगी?
तो अभी हाल ही में गूगल ने अनाउंस किया है कि वो जियो प्लेटफॉर्म में 7.73% स्टैक खरीदेगी और इसके लिए वो पे करेगी 33,737 करोड़ रुपीज़। और इसके साथ ही ये जियो की लगभग 12वीं डील है और इस 12वीं डील के बाद रिलायंस जियो के पास शेयर बचे हैं 67.03% जो कि उसके खुद के हैं और बाकी इन्वेस्टर्स के मिला के हैं 32.97% स्टेक्स। रिलायंस इंडिया लिमिटेड की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में और चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है मुकेश जी अंबानी। और मुकेश जी अंबानी अभी हाल ही में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की लिस्ट में 5वें नंबर पर आ गए हैं। गूगल की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स में और CEO हैं सुंदर पिचई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एयरपोर्ट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड इंडियाज़ फर्स्ट कॉन्टैक्टलेस कार पार्किंग। हाल ही में किस हवाई अड्डे ने भारत की पहली संपर्क रहित कार पार्किंग की शुरुआत की है? तो अभी हाल ही में हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने शुरू किया है इंडिया का पहला कॉन्टैक्टलेस कार पार्किंग सिस्टम। और COVID-19 के चलते ताकि सब कॉन्टैक्टलेस रहे इसलिए इसे लॉन्च किया गया है और इस सर्विस के द्वारा जो भी वहाँ के विजिटर्स हैं या पैसेंजर्स हैं उनको कॉन्टैक्टलेस टोल ट्रांजेक्शन जो होता है वो प्रोवाइड कराया जाएगा। तो इस सर्विस को डेवलप किया जा रहा है इन कोलैबोरेशन विथ नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि NPCI के साथ में मिलकर और इसमें यूज़ किया जाएगा RFID का यानी कि रिलोडेबल इलेक्ट्रॉनिक रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। ओके, RFID का फुल फॉर्म है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन और ये आपके किसी प्रीपेड अकाउंट से लिंक होगा तो जब भी आप वहाँ विजिट करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो पार्किंग चार्जेस हैं वो आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाएंगे। बात करें NPCI की तो यहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO हैं दिलीप आजबे और हेड ऑफिस है इसका मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिल विच ईयर IOC यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी हैज़ पोस्टपोन डकार यूथ ओलंपिक्स। IOC ने किस वर्ष तक के लिए डकार युवा ओलंपिक को स्थगित कर दिया है? तभी हाल ही में IOC के चेयरमैन या प्रेसिडेंट ने बताया है कि जो डकार में यूथ ओलंपिक्स होने वाले थे 2022 में, ओके 2022 में शेड्यूल थे, अब उनको पोस्टपोन कर दिया गया है 4 साल के लिए तो अब ये होंगे 2026 में। तो इनको पोस्टपोन किया गया है कोरोना वायरस पैंडेमिक के चलते। टोक्यो ओलंपिक पहले ही पोस्टपोन हो चुके थे और उन्हें जुलाई 2021 में ऑर्गेनाइज कराना है। उसके बाद बीजिंग विंटर ओलंपिक्स ड्यू हैं फरवरी 2022 में होने के लिए इसलिए इसको आगे पोस्टपोन कर दिया है 2026 में। ओके, और जो डकार है वो सेनेगल की कैपिटल है। बात करें इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की तो इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1894 में, हेडक्वार्टर है लॉशेन स्विट्ज़रलैंड में और प्रेसिडेंट हैं थॉमस बैक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन इंस्टीट्यूशन हैज़ ऑब्जर्व्ड स्वच्छता पखवाड़ा इवेंट। हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने स्वच्छता पखवाड़ा आयोजन को मनाया है? तो इनकोइस INCOIS इनकोइस इंस्टीट्यूशन है जिसने अभी हाल ही में स्वच्छता पखवाड़ा इवेंट ऑब्जर्व किया है। इनकोइस का फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इन्फॉर्मेशन सर्विसेस। ओके, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इन्फॉर्मेशन सर्विसेस और ये हैदराबाद में है। तो इस इवेंट के दौरान कुछ स्पेशल एक्टिविटीज़ कराई गई जिनके द्वारा लोगों को ओपन डिफेक्शन के नुकसान और साथ ही इफ़िशेंट मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट और साथ में ओवरऑल साफ सफाई के बारे में अवेयरनेस फैलाई गई। इंक्वायरी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंडर में काम करती है। ओके, और यूनियन मिनिस्टर हैं अर्थ साइंसेस के हर्षवर्धन। तो मूव करते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स की तरफ। सबसे पहले है, स्पोर्ट्स अड्डा है साइंड ब्रैटली एज ब्रांड एम्बेसडर। स्पोर्ट्स अड्डा ने ब्रैटली को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में साइन किया है। तो स्पोर्ट्स अड्डा एक ऑनलाइन जो भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज़ है वो प्रोवाइड कराता है और उन्होंने अभी हाल ही में ब्रैटली यानी कि पूर्व ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर हैं इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग बिलियनरीज इंडेक्स मुकेश अंबानी बिकम्स द 5th रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। तभी हाल ही में ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के अनुसार मुकेश अंबानी दुनिया के 5वें सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। नेक्स्ट है, मालिनी पार्थसारथी रिप्लेसेस एन राम एज चेयरपर्सन ऑफ द हिंदू ग्रुप। मालिनी पार्थसारथी ने एन राम को द हिंदू समूह के अध्यक्ष के रूप में प्रस्थापित किया है।
उसके बाद है CVDT लॉन्च टूल फॉर बैंक कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड पोस्ट ऑफिसेस टू एसरटेन TDS एप्लीकेबिलिटी रेट्स ऑन कैश विड्रॉल्स। CVDT ने बैंकों, सहकारी समितियों और डाकघरों के लिए नगद निकासी पर TDS प्रयोज्यता दर का पता लगाने के लिए उपकरण लॉन्च किया है। और लास्ट है इंडिया इन पार्टनरशिप विथ चिले एंड UNFAO को होस्टेड इवेंट ऑन द रोड टू द इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स 2021। भारत ने चिली और संयुक्त राष्ट्र के FAO के साथ मिलकर ऑन द रोड टू द इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स 2021 इवेंट को साथ में होस्ट किया है। तो अब समय है आज के क्विज का। आज के क्विज का क्वेश्चन है हु हैज़ वॉन दादा साहब फाल्के अवार्ड 2020। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 किसने जीता है? तो मेक श्योर इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन। कल के वीडियो का क्वेश्चन था ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट वर्ल्ड मलाला डे वॉज ऑब्जर्व। निम्नलिखित में से किस तारीख को विश्व मलाला दिवस मनाया गया था? तो 12 जुलाई इसका राइट आंसर है। 12 जुलाई को मनाया गया था वर्ल्ड मलाला डे। तो जिन्होंने भी इसका सही आंसर दिया उनको मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस। इसी तरह राइट आंसर देते रहिए। तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ ही अगर आपको आज के वीडियो का PDF चाहिए तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दे दी है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा आप मुझे फेसबुक में फॉलो कर सकते हैं ऑनलाइन स्टडी अकेडमी 20 पे, और आप इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं online.study.academy सर्च करके। तो मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ। साथ ही में होंगे कुछ इंपॉर्टेंट ऑनलाइनर्स और क्विज भी होगा। तो मेक श्योर आप कल भी हमें ज़रूर ज्वाइन करें। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइज़।